अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉलीवुड शबीज में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब खबरें सुनने को मिल रही हैं, और साथ ही साथ ऐसी खबरें हैं जिसका न सर है न पैर है, जिसको सुनकर इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि क्या दुनिया में ऐसा भी होता है और हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऐसे जोड़े की तस्वीर जिन्होंने शादी कर ली है, और उनकी उम्र सुनकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि वो बाप की उम्र का है, यानी कि बाप की उम्र का भी नहीं बल्कि दादे की उम्र का है, और उसने जवान जहां लड़की से शादी कर ली है, जिस पर बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं और बुरा भला भी कह रहे हैं, और कई लोग हम आपको दिखाएंगे क्या क्या कह रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सारा इलाही ने भी हाल ही में शादी की थी, उन पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी क्योंकि उनके जो शोहर हैं वो उनसे काफ़ी बड़े हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर सैयद इफ्तखार हुसैन गिलानी की, जो कि 80 साल के हैं, इन्होंने शादी कर ली है। सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे क्लिक कर दे, ताकि हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। जैसे ही सैयद इफ्तखार हुसैन ने शादी की है, ये बात आग की तरह फैल गई है और तमाम तर सोशल मीडिया अकाउंट में ये बात की जा रही है, और बहुत ज़्यादा मजाक भी बनाया जा रहा है, और आप लोगों के नफरत का इजहार पढ़ सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये 18 जुलाई 1940 में पैदा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले ही ये पैदा हो चुके थे, और जब पाकिस्तान बन चुका था ये 7 साल के थे। और इस लड़की को आप देख सकते हैं, वैसे तो ये लड़की कहीं से भी लड़की नहीं दिखाई दे रही हैं, ये भी बड़ी उम्र की हैं, ये 21 साल की कोई काकी नहीं लग रही हैं, लेकिन ये काफ़ी इनके दरमियान एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान फेडरल मिनिस्टर लॉ की हैसियत से इन्होंने मुल्क की बहुत ही ज़्यादा खिदमत की, उसके बाद बेनज़ीर के साथ भी इन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद वो तरीके इंसाफ के साथ शामिल हो गए थे और इन्होंने को छोड़ दिया था। और इनकी 2 बेटियां भी हैं और एक बेटा भी है जवान, और इन्होंने जो शादी की है इसके बारे में आप सबकी क्या राय है कि क्या इन्हें इस उम्र में शादी करनी चाहिए थी या नहीं। हमसे अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।